हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ग्रीन कलर की साड़ी को पहनकर दिखाऊंगी। लो वेस्ट ग्रीन कलर की साड़ी को मैं किस तरीके से वेयर करती हूँ, ये देखिए। ये मेरी साड़ी है, ग्रीन कलर की साड़ी। इसमें ब्लैक कलर के इस तरीके से फूल बने हुए हैं। बहुत भारी दिखने में साड़ी हल्की है दिख रही होगी, पर यह बहुत भारी साड़ी है क्योंकि इसका बॉर्डर हैवी है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं साड़ी को अंदर टक्कर लेती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि फ्री पल्ले को हम किस तरीके से कैरी कर सकते हैं, फ्री पल्ले को हम किस तरीके से कैरी करें कि हम आसानी से खाना खा सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं। अगर तो फ्री पल्ले को कैरी करने के लिए जो ट्रिक मैं आपको बताऊँगी, आप उसको अगर आप ट्राई करेंगे तो आप आसानी से फ्री पल्ले को भी कैरी कर सकते हैं। ये देखिए, जितना भी मुझे पल्ले की लेंथ चाहिए होती है उतनी मैंने शोल्डर पे रख दी है। और जो मेरी एक्स्ट्रा साड़ी बची है उसकी मैं जो है प्लेट्स बना लूँगी। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा साड़ी की मैंने प्लेट्स बना ली हैं। हमेशा जो है नाभि के राइट साइड से ही हमको पल्ले को अंदर टक करना होता है। साड़ी पहनते समय जिन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है उसका भी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे कमेंट आया है कि किस तरीके से हम पेटीकोट पहने, किस तरीके से हम साड़ी को टक करें। तो उसका भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी। तो ये देखिए, मैंने जो है पूरा प्लेट्स अंदर कर ली हैं और ये मैंने शोल्डर के ऊपर अपना पल्लू डाल लिया है। ये देखिए, मेरा बॉर्डर साड़ी का हैवी है, थोड़ा कैरी करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट मैं जिस तरीके से इसको कैरी करती हूँ वह मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी इस मेथड को यूज़ करना। ये देखिए, आधी साड़ी को हमको इस तरीके से लेना है और छोटी छोटी प्लेट्स बना लेनी है। बॉर्डर को हमको फ्रंट पे रखना है, बाकी प्लेट्स को पीछे रखते हुए यहाँ पर हमको अब अंदर पिन के साथ आधी साड़ी को प्लेट्स बनाकर इस तरीके से पिन के साथ हमको सिक्योर कर लेना है। ये ट्रिक अगर आप यूज़ करेंगे तो आप आसानी से जो है फ्री पल्ले को भी कैरी कर सकते हैं। और जो अब ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर भी मैं पिन लगा लूँगी, और ताकि मेरा शोल्डर से जो है मेरा पल्ला नीचे ना गिरे। ये देखिए, मैंने पिन लगा ली है और पल्ले को सिक्योर कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से अगर आप कैरी करेंगे तो टक करेंगे तो आसानी से जो है पल्ले को भी कैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हैवी साड़ी में फ्री पल्ले को आपको कैरी करने में। अभी मैं आपको राउंड, ये देखिए मैं राउंड घूम कर भी दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से अगर आप फ्री पल्ले को बनाएंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी फ्रेंड्स। और हैवी बॉर्डर की साड़ी में अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम सारी पल्ले की प्लेट्स बनाकर ऊपर टक कर सकते हैं। ये देखिए, अभी मैं पिन को निकाल लेती हूँ और अब मैं यहीं पर से जो है बॉर्डर के अकॉर्डिंग ही सारी साड़ी को इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बना लूँगी। मैंने खोली नहीं है साड़ी, वो एक पिन मेरा ऊपर लगा हुआ है, बाकी साड़ी को मैं इस तरीके से जो है पल्ले से जो है प्लेट बना लूँगी। ये देखिए, ये प्लेट्स बना ली हैं मैंने सारी, और थोड़ा सा यहाँ से अरेंज करते हुए अब मैं यहाँ पर भी जो है एक पिन लगा लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी मैं एक पिन लगा लेती हूँ और पूरे जो है पल्लों को शोल्डर पे सिक्योर कर लेती हूँ। ये देखिए, हैवी बॉर्डर की साड़ी को दो तरीक़ों से किस तरीके से कैरी करते हैं। तो ये ट्रिक को अगर आप आजमाएंगे तो आप आसानी से हैवी बॉर्डर की साड़ी को फ्री पल्ले के साथ और इस तरीके से पूरे फोल्ड पल्ले के साथ आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बताना आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। और अभी मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, वैसे तो आपने फाइनल लुक देख ही लिया। ये देखिए, पूरा मेरा हैवी बॉर्डर की साड़ी को आसानी से कैरी करने का ट्रिक मैंने आज आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट रिक्वेस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच।